आराम से, जख्म को भरने में भी जरा सा वक्त और लगेगा। लेकिन मैं तो जंग के दौरान तुम बुरी तरह घायल हो गए थे, बहुत खून बहाया, अपना भी और सामने वाले का भी। लेकिन ये कौन सी जगह है, कहाँ लेकर आए आप मुझे? जिंदगी और मौत के बीच भी एक दुनिया है जहाँ सिर्फ मैं और तुम मिल सकते हैं। इन्हीं हालातों के लिए इसे संभाल कर रखा था मैंने। इसका मतलब मेरी मौत हो चुकी है? नहीं, बस वक्त की दौड़ में कुछ पलों के लिए तुम्हारी शख्सियत को मिटाया है मैंने। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? आप शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि आपकी इस कारस्तानी की वजह से मुझसे बहुत कुछ पीछे छूट गया है। वजह तो तुम खुद जानते हो मेरे दोस्त, और फिर वही मुझसे पूछते भी हो। जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़े होकर भी तुम्हें इस दुनिया में कितने दिलचस्पी है ना, फिक्र मत करो। जो तुमने फिलहाल पीछे छोड़ा है वो अब बेहतर है। फिर भी वक्त को थामने का ये फैसला, आपको जरा भी अंदाजा है आपने मुझे अंधेरे में रखा है? ये अंधेरा मैंने नहीं, तुमने खुद बनाया है मेरे दोस्त। क्या हो गया है तुम्हें? ये दुनिया जिस अंधेरे की गिरफ्त में जा रही है उसे काटकर सुबह की रोशनी तुम्हें तैयार करनी थी, लेकिन यहाँ तो तुम ही उलझ रहे हो अपने मंसूबों और अपने जज्बातों के बीच में। मेरा इरादा बुराई की रगों में उतरकर उसके खून की धार को रोकने का था, और अपने फर्ज को हमेशा अहमियत दी है मैंने। भटक रहे हो तुम। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों चुना था? क्योंकि तुम्हारे जज्बात ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन सामने वाले के वहशीपन ने उन जज्बातों को अपने मुताबिक मोड़ लिया। इंसानियत को महफूज रखना था, इंसान को नहीं। दुनिया के लोगों को ये रंग मैंने नहीं दिया है, उनकी पहचान आपने बनाई थी। जब नफरत का बीज उनके बीच पनप रहा था तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ही दी हुई अलग अलग पहचान है। अगर मैं किसी को इंसानियत के रंग में रंगने की कोशिश भी करता हूँ तो वो उसे खास पंथ और मजहब से जोड़ देते हैं, और आप कह रहे हैं मैं भटक रहा हूँ। आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं हम? नजर तो तुम पर हमेशा रहती है मेरी, लेकिन काफी दिनों बाद तुमसे बातें करके अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि तुम इस पल में क्या सोच रहे हो। अब आपसे क्या छिपाऊं, न जाने दुनिया किस जंग आजादी का हिस्सा बनना चाहती है। इन्हें आजादी चाहिए, किससे चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए और कब चाहिए, इसका जरा इल्म नहीं है। तो तुम्हारे मुताबिक ये बाशिंदे क्या किसी मुक्ति संग्राम के योद्धा बनना चाहते हैं? बिल्कुल, जिसका ढांचा पहले से ही टूटा हुआ है। इनकी आजादी की सोच बारिश के उन बादलों की तरह है जिसका ख्याल बहुत सुहावना है, लेकिन अगर उसके नीचे खड़े होकर देखो तो सिर्फ शरीर पसीजता है। तुम अपनी रूह में उतर कर एक बार इसकी शनाख्त क्यों नहीं करते? यकीन मानो उसका सपना तुम्हारे इरादों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अभी तक तुमने अपनी शख्सियत का सिर्फ एक हिस्सा आजमाया है, क्यों ना वक्त से थोड़ा और आगे निकलकर देखें? आपका मतलब पुनर्जन्म? बिल्कुल, वक्त से आगे, आसमान की वो ऊंचाइयां जहां से सिर्फ जिंदगी और जिंदगी ही महसूस हो, मौत बहुत छोटी पड़ जाए। मगर सवाल तो ये है कि मौत में आपके होने की गवाही है, जो आया है वो एक तय वक्त पर जरूर जाएगा। वक्त की पाबंदी में सिर्फ ये दुनिया जीती है मेरे दोस्त, मेरे लिए चीजें जरा सी अलग है। जिसे तुम वक्त समझ रहे हो दरअसल वही तो जिंदगी है। मगर आपकी शख्सियत सिर्फ एक कल्पना तक सीमित है, किसी ने आपको देखा भी नहीं है। लेकिन महसूस तो किया है, और इस वक्त मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। अगर तुमने वक्त के साथ चलकर अपने तजुर्बों से जिंदगी को समझा है तो इसका मतलब हम जीत रहे हैं। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, पूरी दुनिया क्यों नहीं? हम दोनों ही तो दुनिया है। कुछ सवालों के जवाब बातों से आगे बढ़कर जंग के मैदान में नहीं मिले, हम दोनों को यहाँ एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या तुम्हें इस मुलाकात में दुनिया का दस्तूर नहीं दिखता? मगर दुनिया के जो ये लोग हैं तुम्हारे ही अक्स हैं। आपके कहने का मतलब इस सफर में जिसने जीत हासिल की वो मैं, और जिसने हार को गले लगाया वो भी तुम। दरअसल जब जब तुमने किसी को तकलीफ दी है वो तकलीफ तुमने खुद को दी है। खुशी का एहसास किसी और को देकर खुश तुम ही हुए हो। फिर भी यहां तक पहुंचने के लिए ये सब क्यों? क्योंकि मेरे बाद मेरी जगह तुम लोगे। मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम्हें सब जानते हैं। तुम्हारे नेक इरादों में ही मेरी जीत छिपी है मेरे बच्चे। तो क्या एक नए सफर की शुरुआत करें? अपना हाथ दो मुझे। इस बाजी में बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी शख्सियत बने। और मेरा हथियार? कोई जरूरत नहीं है उसकी। जिंदगी की बुनियाद, उसका सफर, उसकी मंजिल, उसे प्यार की गलियों में चलकर ही मिलेगी।
है।